तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं आज हम एक नई जगह जा रहे हैं। अभी हम ब्रह्मसैंण पहुंच चुके हैं जो कि गोपेश्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं सुंदर नज़ारा का आप आनंद उठाइए, बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ से गोपेश्वर। यहाँ से पूरा सुभाष नगर वाला एरिया दिखता है गोपेश्वर का। और यहाँ फ्रेंड्स गांव में कहीं देवता भी आया हुआ है आज। फ्रेंड्स अभी जो देवता हैं ये बजीर देवता है और यहाँ के गांव के काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं। तो आजकल ये यात्रा भ्रमण पर है और काफ़ी श्रद्धालु इनके साथ अभी यात्रा पे भ्रमण कर रहे हैं। तो अभी जो ये यहाँ पे जो देवता आया है वही गोपेश्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे बहुत काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तो फ्रेंड्स अब हम देवर खटोरा पहुंच चुके हैं जो कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है उसके आधे रास्ते में पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब आगे का सफ़र यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं, छोटी छोटी इसकी श्रेणियाँ हैं हमारी, और ये हिमालय का एक छोटा सा भाग है जो यहाँ से थोड़ा बहुत दिखता है। और ये कल पहली बरसात हुई 3 महीने बाद, तो यहाँ कल रात भर पूरी स्नोफॉल हुआ, यहाँ पे रात भर बर्फबारी हुई। तो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पीछे आप देख रहे हैं नज़ारा, इस सुंदर से पर्वत, और इस साइड जो पीछे साइड है वो गोपेश्वर का थोड़ा सा दिखता है, यहाँ पूरा नहीं दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉगिंग में यही खास है, हम आपको प्रकृति की खूबसूरत सुंदरता को आपको दिखाएंगे कि ये खूबसूरत जो जगह है ये गोपेश्वर से 7 किलोमीटर दूर पड़ती है जिसका नाम है घिंगराण। तो फ्रेंड्स घिंगराण रास्ते में जो भी छोटे छोटे आपने देखा होगा वो पड़े हैं, छोटे छोटे आपका रोली पड़ा है, ग्वार पड़ गया आपका, यहाँ पे ब्रह्मपुरी पड़ गया, ये बहुत सारे इलाके पड़े हैं आपको हमने दिखाए हैं, थोड़े थोड़े क्लिप में आपको दिखाएं। और आज हम आपको घिंगराण की सुंदरता दिखाएंगे और वहाँ एक छोटा सा कैफ़े भी है वहाँ भी ले जाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत हम अपना जो भी है लंच वगैरह करेंगे और आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की वीडियो। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम घिंगराण पहुँचने वाले हैं और बहुत खूबसूरत और रोमांचक भरा सफ़र है। और आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह है, कभी आइए घूमिए यहाँ, गोपेश्वर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये और बहुत प्यारी बस्ती है। और आगे की वीडियो हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचाएंगे तो आपको वहीं से आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत ही मजा आ रहा है फ्रेंड्स, प्यारी जगह है और ये बहुत ही मतलब सुंदर सा है, एक सैंड जैसा है एकदम, बोल दे एकदम। यहाँ बहुत सारे खेत वगैरह हैं लोगों के, गाय वगैरह देख रहे होंगे आप, गाय सुंदर से चारा चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं दूर से गांव दिख रहा है आपको, ये घिंगराण है और हम वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ी देर यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर किसी बातचीत करेंगे, क्या विशेषता है यहाँ की, क्या खासियत है वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आगे वीडियो एंड तक देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं जिसके लिए हमने ये ब्लॉग तैयार किया है। तो इस गांव का नाम है, सुंदर सा गांव है घिंगराण जिसका नाम है।
तो फ्रेंड्स आपको ये सुंदर सा नज़ारा हमने अभी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। अभी थोड़ी दूरी पर यहाँ से 1 किलोमीटर कैफ़े पड़ता है, वहाँ थोड़ा हम खाना वगैरह खाएंगे और वहाँ की वीडियो भी आपको दिखाएंगे, वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स, और ऐसी और भी हम आपको सुंदर सुंदर जगहों का आपको दिखाएंगे जो कि उत्तराखंड की सुंदर सी वादियों में बसे हुए गाँव हैं। और ये बहुत ही सुंदर गाँव हैं, इनके बारे में कम ही लोग जानते हैं क्योंकि इनकी सुंदरताओं का जो व्याख्यान होता है वो बहुत कम होता है। लोग शहरों की ओर जो पलायन कर रहे हैं वो बिल्कुल मूर्खता है क्योंकि शहरों में अब कुछ भी नहीं है, प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब यहाँ की सुंदरता आप देखिए, आनंद उठाए फ्रेंड्स कि कितना सुंदर ये गांव है और यहाँ के लोग कितनी स्वच्छ हवा ले रहे हैं, कितना शीतल पानी होगा यहाँ का, कितनी स्वच्छ हवा होगी। और यहाँ देखिए अब सुंदर से खेत हैं यहाँ, अब ये आप देख सकते हैं कि मतलब बोलने का मतलब है कि ये उन गंदे शहरों से बिल्कुल भी दूर हैं जहाँ की एकदम धुंध सी छाई है, न धूप है न बारिश है, एकदम प्रदूषण के बीच और बहुत सारा ट्रैफिक, गाड़ियाँ, उनका ध्वनि प्रदूषण बहुत वगैरह वगैरह जो भी है उनके बीच से एकदम ये शांत स्वभाव के गांव में लोग स्थित हैं। और हम सोचिए कि हम कितने मूर्ख हैं कि इतने सुंदर गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड कि आपको शहरों में नहीं जाना चाहिए, शहरों में जाना है क्योंकि वहीं एजुकेशन है, वहीं सब कुछ है, आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस मतलब जो भी है सारी सुविधाएं वहीं हैं, लेकिन अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहिए फ्रेंड्स, वहां जाना भी ज़रूरी है। आप एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं बाहर, लेकिन अपने गांव की परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृतियों को कभी त्यागना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, उनको अपने साथ संजोए हुए अपने जीवन को आगे एकदम अपने जीवन का आगे मार्गदर्शन करना है। तो यही आज की इस वीडियो में है, आज की वीडियो का सीख यही है कि आपने बोलने का मतलब आपने अपनी भावनाओं से नहीं भटकना है, भावनाओं से दूर नहीं भागना है, आपने अपनी संस्कृति को संजोए हुए रखना है और उसकी सभ्यता को एकदम बांध कर आगे चलना है। और फिर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में, वो सब भी करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में, ये घिंगाड़ गाँव की क्लिप है, इसमें इतना ही और आगे हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, आगे मिलते हैं आगे क्लिप में। फ्रेंड्स जैसा कि आप ये गांव देख रहे हैं ये बहुत ही दूर है, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर होगा, अभी हम वहाँ जाएंगे नहीं। इसका नाम है कुंजो मेकोट और ये बहुत ही सुंदर गांव है, यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत ही प्यारा सा गांव है, सुंदर सी पहाड़ों में स्थित ये गाँव एक अपनी अलग ही छवि को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गाँव है, सुंदर पहाड़ों में स्थित ये गाँव हमारी संस्कृति को याद दिलाते हैं, हमारे पुराने रीति रिवाजों को याद दिलाते हैं, यहाँ की सभ्यता और जो भाव भंगिमाएँ हैं वो एकदम सुंदर से स्वभाव को प्रदर्शित करती है। आप इसका आनंद उठाइए, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं सुंदर सा तालाब है यहाँ और इस गांव का नाम है देवर खटोरा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सुंदर से जो खेत हैं, यहाँ क्रिकेट मैच भी होते हैं, इस बार हुए नहीं हैं पता नहीं क्यों, लेकिन वैसे अक्सर हर सीज़न में यहाँ सर्दियों में बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं। तो ये सुंदर सा गांव देखिए और ये सुंदर सा तालाब देखिए, यहाँ गाय पानी पीने के लिए आती है और ये पानी यहीं ज़मीन से निकलता है मेरे ख्याल से, यहीं कहीं से आता है और यहाँ पे जमा हो गया एकदम से यहाँ, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बीच में गहराई है जिस कारण से ये पानी यहाँ पर जमा हो गया और सुंदर सा तालाब का यहाँ पर एक निर्माण हो गया है। और एक गाँव का दृश्य देख सकते हैं, ये देवर खटोरा गाँव है। हमारे पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके बारे में शायद लोग अभी भी जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर से गांव हैं जो एकदम से दुनिया की नज़र में छिपे हुए हैं एकदम से। सुंदर सी पहाड़ियों में बसा हुआ है ये देवर खटोरा गांव, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, लेकिन लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि गांव है इसलिए लोगों को शहरों में जाना पसंद है, शहरों में घूमना पसंद है,
लेकिन इन इतने सुंदर गाँव में लोगों को आना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए हमने इस ब्लॉग में आपको इन सुंदर गाँवों से आपको परिचित कराना है। जहाँ जहाँ भी ये गाँव होंगे पहाड़ की चोटियों में, तो कभी ब्लॉग में फ्रेंड्स हम आपको कुंजो मेकोट गांव जो यहाँ से दिख रहा है आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ की आपको वहाँ का गांव की वहाँ का दृश्य दिखाएंगे आपको। बहुत सुंदर सा गांव है, अभी यहाँ से क्लिप में आएगा नहीं ढंग से, बहुत दूर है अभी। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम कैफ़े की ओर, कुछ खाते हैं, भूख भी लग गई है, तो अब वहीं मिलते हैं कैफ़े में। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं चंडिका माता के दर्शन करने, एक सुंदर सा मंदिर है देवर खडोरा में जो स्थित है, तो वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रास्ता बना रखा है यहाँ के लोगों ने माता के लिए, टाइल टूल लगा रखे हैं रास्ते में, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव में विकास नहीं होता, गांव में एक अच्छा विकास होता है, एक अच्छा संतुलन होता है शहरों की तुलना में। यहाँ लोगों को अभी भी उस आस्था पे विश्वास है जो कि लोग भूल चुके हैं, बाहर के लोग, शहरों के लोग जो कि अपनी आस्थाओं को भूल चुके हैं। थकान भी लग गई है, बहुत चढ़ाई है, एकदम हाइट पे है मंदिर, अब तो सीधा रास्ता है, चलो चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर की ओर, शायद मंदिर अभी काफ़ी दूर है, तो जैसे पहुंचेंगे आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे, माता के, माता चंडिका के दर्शन कराएंगे, और माता चंडिका के आशीर्वाद रहेगा तो हमारा ब्लॉग सक्सेसफुल होगा, काफ़ी सारे लोग उसको देखेंगे, आप भी सब्सक्राइब करेंगे। तो बस फ्रेंड्स थोड़ा ही रह गया है पहुँचने वाले, शायद यही मंदिर है, आप देख सकते हैं यही माता का मंदिर है, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के। तो अभी बाहर से ही दर्शन कराएंगे आपको, क्योंकि शायद अंदर तो बंद होगा अभी। ये रहा मंदिर, सुंदर सा मंदिर, यहाँ अभी लोगों ने बंद कर रखा है शायद, देखते हैं अभी क्या होता है। देवर खटोरा की माता चंडिका का मंदिर है जो एक शक्तिपीठ में, शक्तिपीठ ही मान लो, माता देख नहीं रही यहाँ से, अंदर शायद हमें जाना अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि हम थोड़ा गंदे से उड़ गए हैं, तो बाहर ही से दिखा देते हैं आपको, कुंडी लगी हुई है। चलिए फ्रेंड्स अभी हमने जो मंदिर दिखाया वो एक शिवालय है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, चंडिका माता उसके बगल में विराजमान है, अभी हमको दिखाते हैं आपको, कुंडी खोल लेते हैं, लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन खोल देते हैं, आपको दर्शन कराने हैं फ्रेंड्स, और हम भी दर्शन कर लेंगे इसी बात पे। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं उस मंदिर में, माता चंडिका के मंदिर में, आप देख सकते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ तक बहुत है, आगे ताला लगा हुआ है। फ्रेंड्स जोर से बोलो जय माता दी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स हम कैफे में पहुंच चुके हैं, ये घुघुती हिमालयन होम स्टे है, यहाँ थोड़ा हम कुछ खा लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं। तो चाय का मजा लेते हैं फ्रेंड्स अभी कैफे में, बहुत ही कड़ाकेदार चाय बनाई है, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स तो हमारे इस ब्लॉग में आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, जो और ब्लॉग होते हैं उनमें लोग अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हम सब इस ब्लॉग में ये आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको हम एक जेन्यून चीज़ बताएंगे, कुछ नया 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 दिखाएंगे, कुछ नई चीज़ दिखाएंगे, कहीं कुछ नई चीज़ सिखाएंगे आपको। तो हर एक ब्लॉग के पीछे एक ऐसा कंटेंट है हमारा कि लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसा ऐसी चीज़ दिखानी जो लोगों को पसंद हो। तो अभी हम यहाँ कैफे में बैठे हैं जो कि देवर खडोरा से 1 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ से अभी गोपेश्वर 3 या 4 किलोमीटर और होगा, और यहाँ हम अभी चाय पी रहे हैं, और इसके बाद हम मोमोज खाएंगे, वो भी
कोदे कोदे के मोमो खाएंगे, आपको दिखाएंगे। मंडवा जो होता है, मंडवे का आटा होता है जो हम गढ़वाली में उसको कोदा बोलते हैं, उसके मोमो खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। चाय तो बहुत अच्छी बनी हुई है। तब तक फ्रेंड्स बर्गर के आनंद लिए जाए, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। कभी आइए यहाँ के बर्गर को टेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम सूप के मजे लेते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स तो लंच भी हो गया है, थोड़ा बहुत खा लिया हमने, पेट भर गया है, अब चलते हैं घर की ओर। तो आप तो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर की ओर। आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लाइक और शेयर जरूर करना। तो थैंक यू गाइस, अब हमारी घर वापसी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।